हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है अल्फा स्टडी चैनल पर। फ्रेंड्स, कंप्यूटर का क्वेश्चन सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंस को देखते हुए हम लोग प्रत्येक दिन कंप्यूटर का क्वेश्चन 10-10 क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए आज का शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो पहला क्वेश्चन है, सिस्टम शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? ये आपको बताना है, फ्रेंच, लैटिन, ग्रीक, अंग्रेजी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ग्रीक। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, वह युक्तियां जो कि कंप्यूटर को चलाने के लिए आवश्यक होती है कहलाती है। यहाँ सॉरी फ्रेंड्स, कल आती है लिखा गया है, लेकिन कहलाती है। वह युक्तियाँ, वो डिवाइस क्या है जो कंप्यूटर चलाने के लिए आवश्यक है? रेगुलर डिवाइस, पेरिफेरल डिवाइस, स्टैंडर्ड डिवाइस, नेसेसरी डिवाइस। तो इसका सही आंसर होगा स्टैंडर्ड डिवाइस। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर के अंग जो देखने के लिए कंप्यूटर को चालू करने की आवश्यकता नहीं होती है क्या कहलाती है? तो फ्रेंड्स, आपको बताना है कंप्यूटर के वे अंग क्या है जो कंप्यूटर को चलाने के लिए कंप्यूटर देखने के लिए कंप्यूटर को चालू करने का आवश्यकता नहीं होती है। सॉफ्टवेयर, ह्यूमन वेयर, स्किन वेयर, हार्डवेयर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्किन वेयर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सबको याद कर लीजिए। आईसी चिप्स का प्रयोग पहली बार किस पीढ़ी में हुआ था? ये आपको बताना है, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप्स का प्रयोग पहली बार कब हुआ था? प्रथम पीढ़ी में, दूसरा पीढ़ी में, तीसरा पीढ़ी में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा पीढ़ी में। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भविष्य के कंप्यूटर इलेक्ट्रॉन के स्थान पर क्या किस पर आधारित होंगे? क्वेश्चन है, भविष्य के जो कंप्यूटर बनेंगे वो इलेक्ट्रॉन के स्थान पर किस पर आधारित होंगे? प्रोटॉन पर, इलेक्ट्रॉन पर, न्यूट्रॉन पर, फोटोन पर। तो इसका सही आंसर होगा फोटोन पर। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत में क्राई XM14 नामक प्रथम सुपर कंप्यूटर दिल्ली में कब स्थापित किया गया था? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। इसका सही आंसर हो जाएगा 25 मार्च 1989। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कंप्यूटर सिस्टम की मुख्य कितने घटक है? तो आपको बताना है कंप्यूटर बनाने के लिए उसमें मेन चार कंपोनेंट कौन लगते हैं? तो वो मेन चार कंपोनेंट होते हैं फ्रेंड्स। सॉरी, आंसर बता दिया, तो सही आंसर होगा चार। ईनियक का पूरा नाम बताना है फ्रेंड्स, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर, इलेक्ट्रॉन न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमरिक इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेशन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ईनियक का फुल फॉर्म याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 1 KB में कितने खंड होते हैं ये आपको बताना है। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, 1 KB में 1000 खंड होते हैं, या 1024 खंड होते हैं, या 8 खंड होते हैं, या 16 खंड होते हैं। खंड फ्रेंड्स उस टुकड़े को बोलते हैं, बिट्स को बोलते हैं। तो 1 KB में कितने बाइट्स होते हैं, सॉरी बाइट्स को बोलते हैं, 1 KB में कितने बाइट्स होते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1024। अगला 10 क्वेश्चन हो चुका है फ्रेंड्स, ओ सॉरी, और एक क्वेश्चन बाकी है। बाइनरी पद्धति आधारित है, तो आपको बताना है बाइनरी पद्धति, कंप्यूटर सिस्टम बाइनरी पद्धति के द्वारा चलता ही है, और बाइनरी पद्धति किस पर आधारित है यह आपको बताना है। एनालॉग पर, डिजिटल पर, डिजिटल एंड एनालॉग पर, इसमें से कोई नहीं। तो बाइनरी पद्धति जो आधारित होते हैं वो डिजिटल पर होते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन तो 10 क्वेश्चन पूरा हो चुका है फ्रेंड्स, और एक बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं प्रत्येक दिन बहुत इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चन जो है कंप्यूटर के लेके आऊँगा। तब तक के लिए मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।